हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बढ़िया सी मसालेदार चिकन रेसिपी। तो चिकन रेसिपी बनाने के लिए हमें कुछ मसाले की ज़रूरत पड़ेगी जो हम पहले तैयार करके रखेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मसाले की ज़रूरत है और उसमें हम क्या सब डालने वाले हैं। तो ये मैंने लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और इसमें ये है दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और ये देखिए थोड़ा सा जीरा। इसे हम दरदरा करके कूट लेंगे, ज़्यादा बारीकी से नहीं कूटना है, थोड़ा दरदरा ही रहने देंगे। अब देखिए ये हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है जो तरकने लगा है। तब तक हम इसमें 1 से 2 तेज पत्ता डालते हैं, तेज पत्ता से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और 1 से 2 लाल मिर्च भी डालेंगे इसमें हम तोड़ के। अब हम इन्हें अच्छे से पकने देंगे। फिर इसमें मैंने डाला है 4 से 5 लहसुन, आपके घर में जितने लोग हैं आप उतने डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसे ब्राउन होते तक हम इसे भूनेंगे, ये ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज, इसे पहले इसलिए भूना कि इसमें टेस्ट अच्छी सी आएगी। अब हम इसमें प्याज डालने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे, ताकि हमारा चिकन जल्दी गल जाता है। तो प्याज पहले भून लेंगे तो प्याज भी चिकन के साथ अच्छे से गलेगा। तो 3 से 4 मिनट तक इनको हमें भूनना है हाई फ्लेम पे ही। ये देखिए भून चुका है। तो अब हमने जो कूट के रखा था मसाले वो डालेंगे, ये देखिए इसी तरह कूटना है, इसे हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, एक मैंने टमाटर काट के रखा है, उस टमाटर को भी डालेंगे। ये देखिए इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही भूनना है। ये अब भुना गया है। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, फिर नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। नमक डालने के बाद इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, वो आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालिए। ये मैंने डाल दिया है। अब सबको मिक्स करके इसे भी 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनना है, ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाए। फिर उसके बाद इसमें हम चिकन डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर हो गया इसमें। तो अब ये भी भून चुका है 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसे हाथ से डालेंगे, ताकि इसके अंदर का जो पानी हो वो ना जाए इसमें। कितना भी अच्छे से साफ़ करो या पानी निकाल के, फिर भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, फिर भी थोड़ा सा पानी रह ही जाता है। तो हम अच्छे से अब डाल दिए, इन सबको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इन्हें हम ढक के 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। जब हम ढक के पकाएँगे तो हमारा फ्लेम लो होना चाहिए, फिर हाई नहीं होना चाहिए। तो अब ये अच्छे से मिल गया, इसे हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट तक, इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ताकि अंदर लगे ना। तो ये देखिए हो गया है 5 से 7 मिनट। अब हम देख लेते हैं इसे, तो ये पकना शुरू हो गया है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि ये पानी कलर छोड़ा है, पानी छोड़ा है तो कलर भी उसके साथ साथ छोड़ दिया, चिकन से कलर छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर मिलाएंगे, ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए और चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे। ये देखिए 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, हाफ़ हाफ चम्मच 2 बार डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लिए हैं। अब फिर इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएँगे, ताकि बीच बीच में 5 मिनट के बाद देखते रहेंगे, ताकि अंदर लग ना जाए कहीं कढ़ाई में, तो जल जाएगा फिर हमारा। तो इसे हम ढक देते हैं फिर से। अब ये ढकने के बाद फिर देखते हैं, 5 मिनट हो गया है। तो अब देखिए कलर में कितना चेंज हो गया है कलर, और पानी और तेल दोनों छोड़ा है साथ में, मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, आपने देखा ही है, तो इसी में से पानी छोड़ा है। अब कलर भी कितना मस्त हो गया है। ये 50% पक चुका है, 50% और पकेगा। तो इसमें मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, और 50% पकाना है, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे।
इसको और अच्छे तरीके से पकाने के लिए। तो पानी डालते हैं इसको, थोड़ा सा पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे, देखेंगे और पानी की ज़रूरत है तो और पानी डालेंगे इसमें। कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, अगर ये कुकर में बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है, एक दो सीटी लगा दो बन जाता है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाया है। तो मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ, इसे फिर मैं ढक दूँगी। अब मैं 10 से 12 मिनट के लिए ढकूँगी इसको। हो गया 10 से 12 मिनट, अब देखते हैं। तो ये अच्छे से पक गया है, ये देखिए कलर भी कितना मस्त है इसका। लेकिन मुझे हाँ और लगता है मुझे थोड़ा सा पकेगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी है कि कच्चा है, 10% और है पकना। तो इसे 5 मिनट के लिए और ढकेंगे, 5 मिनट में बिल्कुल पूरी तरह से पक जाएगा। तो आइए हम इसे हम ढक देते हैं फिर से 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो गया है तो देखिए ये लेग पीस भी निकल रहा है और पूरे अच्छी तरीके से इसका ग्रेवी कितना थिक हो गया, कलर देखिए कितना मस्त हो गया है। तो ये लहसुन भी बिल्कुल पूरी तरीके से पक गया है, जबकि कढ़ाई में इतने जल्दी बनता नहीं है, मुझे 1.5 घंटा लगा है इसको बनाने में। तो ये बन के तैयार है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल पूरी तरह से बन के तैयार हो गया, अच्छे से पक गया है। और अगर आप थोड़ा सा और पानी डालना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं उसको, पानी डालने के बाद थोड़ी देर पकने दीजिए, फिर आप गैस को बंद कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।